तो गाइस आज कल शाम को मैं वर्कआउट करके आया और मेरा जो मैंने आपको बताया रास्ते में बताया था कि मैंने लैग किया है और अपना शोल्डर किया था। लैग इतना पेन हो रहा है ना, मतलब ऐसे उठक बैठक नहीं कर पा रहा अच्छे से, सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 1 और मैं जा रहा बाबा को खाना देने के लिए। अब मिष्टी बना रही है अपने रील्स का वीडियो ऊपर छत पे, तो पहले चलते हैं खाना दिया था बाबा को क्योंकि टाइम हो चुका है। और आऊँगा तो थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर शाम को जिम जाना है। आज शनिवार है तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा जिम, 5 बजे ही जिम पहुँच जाऊँगा और 5 से 6 करूँगा जिम, 1 घंटा करूँगा सिर्फ। और 6 बजे वहाँ से निकलूँगा तो घर पे आके नहा वहा के मंदिर चला जाऊँगा सीधा बाबा के पास। 1 घंटा मैं वैसे बहुत ऐसा करना, लेकिन मैं अपने खुद के पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं 2 घंटा जिम करता हूँ कम से कम, 2 या 2.5 घंटा तो करता ही करता हूँ मैं। शनिवार को हम 1 घंटा करेंगे सिर्फ, क्योंकि मेरे को शेड्यूल पूरा करके चलना पड़ेगा, पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी चलते हैं खाना देने के लिए बाबा को। भाई लोग खाना वाना दे दिया बाबा को मैंने और निकलते हैं फटाफट घर। आज बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकता है वैसे तो। चलो तो भाई लोग अपना जिम हो चुका है, पूरा वर्कआउट हो गया आज का कंप्लीट। और आज की वर्कआउट में जो है हालत भाई खराब हो रखी है पूरी एकदम भाई, जो जान की है ना भाई। आज हमने मारा है हाँ थाई का, लेग का वर्कआउट किया है और शोल्डर किया है। अभी फिलहाल हम लोग का मिक्स वर्कआउट चल रहा है, तो इसी वजह से एक हफ्ते तक अभी हमारा चलेगा, है ना। अभी हमारा 1 हफ्ते मिक्स चलेगा, उसके बाद हमारा डे बन जाएगा कि इस दिन में ये गाला एक्सरसाइज करना और इस दिन ये एक्सरसाइज करना है। तो अभी चलते हैं, अपना दोस्त वेट कर रहा है जितेंद्र भाई अपने एरिया में। मैं एड्रेस तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, चलो फिर पहले चलते हैं उससे मिलते हैं। अपना ये आ चुका है प्रोटीन, क्या दिखा रहा भाई तू? मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, दिखा अरे बड़ा भीड़ वाला, अबे रुक जा। ये दिखा रहा आरिफ मेरे को, और भाई का एक BSN का क्लीन फैट बर्नर, ये मेरा फैट बर्नर है। हम कंपनी नहीं दिखाएंगे कौन सी कंपनी का, चले वीडियो तो बन रहा है। ये देखो ये प्रोटीन है, चल दिखा तो क्या आ जाए दिखाने से। ये देखो आइसोलेट प्रोटीन है, वे प्रोटीन। ओ भाई एलिगेटर, गाइस किस किसने नाम सुना एलिगेटर का बताना। अबे रुक तो जाओ, खोलो ज्यादा पता नहीं कैसे, अरे यहां पे स्कैन कर रहा है, स्कैन करके गाइस हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल ओरिजिनल है या लोकल है। अच्छा ठीक, भाई की तसल्ली के लिए देख 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 देख, हमारा वाईफाई थोड़ा फर्जी टाइप का चल रहा है, लाइट नहीं है भाई। जिम में पधार चुके अपन और इधर दिख रहा हूँ मैं, देख लो भाई कैसा लुक है अपना। और आज बॉक्सिंग कर लेगा थोड़ी सी, हाथ दर्द हो रहा है भाई, हाथ में जान नहीं है अभी। Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I go, never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yell. तो ये गाइस अभी देखो सचिन भाई हमारे घर पे आए हुए हैं और अभी फिलहाल ये अकेले ही आए हैं और ये पहुंच गए डायरेक्ट मेरे घर के बाहर, मतलब इनको इसको लगता है कि मेरा घर पहुंचना कठिन है लेकिन मेरे लिए कठिन नहीं, सोचो 1 साल बाद कठिन नहीं है, कठिन नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन इसी टाइम आया था मैं पिछले साल, यही टाइम था एकदम। तो अभी नाश्ता वगैरह जो हो चुका है, मिष्टी वहाँ कोने में बैठी है बिल्कुल। गाइस मैं आया हूँ थोड़ा मिष्टी को शरण दिलवाने, फिर भी हम बोले कि चलो यार एक बार चलते हैं, तो आखिरकार आज मेरे पास टाइम था और मैं बोला गया
एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ कि मैंने ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बाहर का खा लिया था, और वो जो खाया था ना मैंने वो चीज मेरे को सूट नहीं किया, उसकी अगले दिन ही मेरा पेट एकदम पूरा खराब हो गया एकदम। नहीं अब लेकिन अपना भाई, तो अब तो आपको पता ही है आपके भाई ने भाई जिम स्टार्ट कर दिया है, बाहर का फूड नहीं खाना, एकदम डाइट के हिसाब से चलना है। और मैंने चैलेंज लिया है खुद से कि 3-4 महीने में आपको एकदम फिट होकर दिखाऊंगा मैं एकदम। 3-4 महीने में जितना बार बाहर घूमने जाएगा उतनी बार बाहर का खाएगा? नहीं, बाहर का नहीं खाऊंगा मैं, अपना डाइट लेके जाऊंगा साथ में अपना, मतलब दाल रोटी। दाल रोटी नहीं, देखो मैं कुछ मैं ऐसी चीजें ले जाऊंगा। नियम लगाया इसका सब तुम? नहीं, अपने आप मैंने न्यूट्रिशन से लिखवाया है, डाइट लिखवाया है मैंने पैसा देकर। इतना पैसा देके? और ये तो नहीं बता सकते, ये चीज तो पर्सनल है। नहीं लेकिन इनका डाइट है मतलब सही है। सचिन भाई पूछ रहे कितना पैसा दिए हो। सचिन भाई को वैसे डाइट की जरूरत नहीं है यार, ऐसा शरीर चाहिए मेरे को कितना भी कुछ भी खा लो मोटा नहीं होने का। भगवान ये तो बात है गाइस, देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन बॉडी मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है। मैं भाई पर्सनली बताऊं तो मैं अपने बॉडी के हिसाब से बहुत खुश हूं। अभी मैं जयपुर में था, मैं बहुत भयानक गिरा सीढ़ियों से, और गिरा मेरे को लगा ना अगर मेरी जगह मिस्टू रहता है या अमित भाई रहते, कसम से 3-4 दिन ही उठते बेड से। मैं कैसा सीढ़ी-वीड़ी से गिर गया, धड़ 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 गिर गया उल्टे से, और दोनों ऐसे ऐसे से गिरा। फिर मैं गिर के क्या किया, ऐसे थोड़ा रुका, फिर मेरे को 3-4 लोग आए, उठाए फिर कहाँ चोट लगा है। फिर मैं ऐसे मतलब अपने आप को सिंक्रोनाइज करूँ की कहाँ लगा है, फिर बोला यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, दोनों जगह लगा है, पीठ में लगा है, फिर ऐसे ऐसे किया हमने पीठ में, तो ठीक हो गया। फिर ऐसे ऐसे किया ये भी ठीक हो गया, बोले चलो ठीक हो गया, 5 मिनट बाद ठीक हो गया, मतलब लगा कि भाई चलो पतला होने का फायदा है, हल्का जैसे हवा गिरता है ना, हवा मिठाई वैसे वाला फीलिंग आ रहा था। अगर... आपको हवा नहीं गिरा दिया? नहीं, पैर स्लिप कर सन मरना था मेरा, हवा से उड़ गए, स्लिप कर गया था, वो फॉर्मल शूज पहना था मैं। सचिन भाई उड़ गए हवा से, बहुत मजा आएगा इस। तो बस हमारी तो ऐसे चलता रहेगा मस्ती मजाक। और वैसे आज सैटरडे भी है तो मेरे को तो जाना पड़ेगा अभी, मतलब 1-2 घंटे में मैं भी निकलूंगा, और यहाँ से डायरेक्ट जिम से सीधा मंदिर जाऊँगा मैं, या घर पे आ सकता हूँ क्योंकि वो टी शर्ट वगैरह चेंज करना रहता है, पसीना वगैरह होता है। तो hey guys, सचिन भाई का उद्घाटन हो चुका है ड्रेसेस का। देखो ये, देखो ये क्या किया कार्तिक तुमने, क्या किया? लेके जान दो पुलिस को। नहीं कुछ नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, जाओ। इसीलिए रो रहा है सचिन भाई का पूरा। लेकिन गाइस पता है क्या, जो भांजा होता है ना, मतलब मैं तो खैर इसको भांजा बोलता हूँ शुरू से ही, उसकी सेवा करने से ना बहुत आदमी तरक्की करता है। मैं भी अपने भांजे को भी बहुत मानता हूँ, कोई बात नहीं है, बच्चा है छोटा सा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहली बार किया है सचिन भाई को। एक टी शर्ट खरीदना पड़ेगा, इसका बदला लिया जाएगा। नहीं रख दो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो शुक्र है भाई दी। तो ये सचिन भाई खिला रहे कार्तिक को, और मैं जा रहा हूँ इनको थोड़ा सा बाहर तक ड्रॉप करने, जहाँ से इनको ऑटो या कोई सवारी मिल जाए मेट्रो तक के लिए। और मेरे को भी अभी मंदिर जाना है, सॉरी जिम जाना है, तो इनको ड्रॉप करके फटाफट आता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर जिम निकलता हूँ मैं अपना। सूरज भाई भी आ चुका है, उसको भी लेके जाना है साथ में जिम। तो अभी सचिन भाई जा रहे हैं, छोड़ दिया उनको मैंने। मुँह दिखा रहे देखो, अभी अपन भी चलते हैं घर। Doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.